अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम चिकन। इसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है इस तरह से। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून गाजर, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आधा शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हरी धनिया, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टीस्पून तेल को गरम किया है। इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 30 सेकंड के लिए इसे हम सोते करेंगे। 30 सेकंड के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन और इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे चिकन को। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर, स्वीट कॉर्न। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून डालेंगे नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, कटी हरी धनिया डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 60 ग्राम प्रोसेस चीज़। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ को। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज़। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को एक साथ। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये स्टफिंग रेडी है, अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब ब्रेड लेंगे, ब्रेड के साइड को पहले हम काट देंगे इस तरह से। इस तरह से, और ये साइड का हम रख देते हैं, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब बेलन से इसे हम इस तरह से बेल देंगे। इस तरह ये बिल्कुल पतली रोटी के जैसी हो गई है। अब इसके साइडों में इस तरह से हम पानी लगा देंगे। इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग और फिर इसे हम रोल कर देंगे टाइट। और ये साइड का हम इस तरह से दबा देंगे। ऐसे तो इस तरह हम सारे रोल पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने रोल को बना लिया है। अब एक रोल लेंगे, इसे हम अंडे में डिप करेंगे इस तरह से, और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से दूसरे हाथ से। इस तरह से, तो इसी तरह हम सारे रोल को पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने तेल को गरम कर लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब तेल के अंदर हम एक एक करके डाल देंगे। इसे हमको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो इसे हम उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इसे उलट पलट कर फ्राई कर लिया है, ये तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी रोल इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी चीज़ी चिकन रोल बनके तैयार हो गया है। ये बहुत यम्मी बना है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ।